अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी, आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए और यहाँ पर तकरीबन 11 बजे का टाइम था और हम लोग घर से निकल पड़े थे। और हम लोगों को जो है ना घर से हार्डली एक घंटे की ड्राइव पर जो है ना वो मुल्तान जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। मोस्टली हम अपने सिटी जहानिया से ही ले लेते हैं, लेकिन जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना फिर मुल्तान से मिलती हैं, तो उसके लिए फिर हमें मुल्तान जाना पड़ता है। तो ये हमारा ड्राइवर ऑल टाइम जो है ना हमें अवेलेबल होता है। और जी, यहाँ पर ये मेरी चिंटू पिंटू सी जो है ना ये बड़ा ही इंजॉय करते हुए जा रही है। और ये जब से पाकिस्तान आई है तो इसका जो लॉन्ग टूर है ना ये अभी लग रहा है मुल्तान जाने वाला, तो ये काफ़ी जो है ना वो खुश है, हैप्पी है। बातें करते करते पता नहीं कब हम लोग मुल्तान पहुँच गए, पता ही नहीं चला टाइम का। और सबसे पहले मैं आ गई थी आइडियाज़ पर। यहाँ पर काफ़ी सेल लगी हुई है आजकल जो है ना, वो 11-11 की सेल भी चल रही है, तो जिसकी वजह से ना काफ़ी चीज़ों पर जो है वो ऑफ था और काफ़ी अच्छे कपड़े भी थे। बट क्या हुआ कि मेरे साथ जो है ना एक मिसहैप ये हुआ कि मुझे अपने कोई कपड़े नहीं लेने थे, क्योंकि मेरे ऑलरेडी कपड़े हैं और मैं अपना वेट कम करके फिर ही अपनी शॉपिंग करूँगी। ये मैंने अपना ना एक गोल सेट किया हुआ है, तो अपनी तो मैंने कोई शॉपिंग नहीं की। हाँ, अलबतालविश की और बाकी चीज़ें लेनी थी। फिर उसके बाद जी ऊपर आ गए, मुझे बेडशीट्स लेनी थी क्योंकि मुझे सऊदीया लेके जानी थी, तो मैंने कहा मैं यहाँ से बेडशीट्स देख लेती हूँ। वहाँ पर जो है ना मुझे समझ नहीं आती, तो फिर मैं पाकिस्तान से लेकर जाती हूँ। वहाँ पर मैंने ली हैं पहले, लेकिन मुझे जो है ना समझ नहीं आ रही थी, तो फिर मैं यहाँ पर आ गई थी। यहाँ पर भी ऑफ लगा हुआ था, तो फिर मुझे यहाँ पर भी जो है ना काफ़ी जो है ना पसंद करते हुए टाइम लग गया। और फिर मैंने फाइनली जो है ना यहाँ से 2 बेडशीट्स ले ली। और जो भी चीज़ें मैं लूँगी वो मैं सारी शॉपिंग जो है ना आपको घर जाकर दिखाऊंगी कि मैंने जो है ना वो क्या क्या लिया था। और मैं इनसे जो है ना वो सारी डिटेल ले रही थी कि कौन कौन सी की क्या प्राइस है, कंफर्टर के साथ सेट की और ये सारा। तो इतनी ज़्यादा महंगी 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार की, तो मैं तो जो है ना वो समझ नहीं आ रही इतनी महंगाई हो गई है पाकिस्तान में। और बस यहाँ पर फिर मैं देख रही थी, काफ़ी अच्छे कलर्स लगे हुए थे, लाइट कलर्स जो है ना वो बहुत ही मुझे तो पसंद है बेड शीट्स के, लेकिन फिर मैं ले भी डार्क ले लेती हूँ। लेकिन फिर मैं यहाँ से मैंने जो है ना 2 बेड शीट्स ले ली थी। और उसके बाद फिर मुझे अजीम के कपड़े देखने थे, तो फिर मैं इनके जो है ना जेंट्स सेक्शन पर आ गई थी। और यहाँ पर मुझे इनके जो है स्टफ़ नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि जिस तरह का अजीम को स्टफ़ चाहिए था वो यहाँ पर नहीं था। तो फिर मैंने यहाँ से चेक कर लिया था स्टिच में भी और अनस्टिच में भी, बट मुझे जो है ना वो यहाँ से कोई नहीं मिला। फिर मैंने कहा मैं स्फायर पे चेक करूँगी या फिर जे डॉट पे में भी, कि वहाँ से मुझे मिल जाए। और ये इस तरह से मैं जो है ना स्टफ़ चेक कर रही थी, बट ये वो वाला स्टफ़ नहीं था। उसके बाद जी फिर मैं आ गई थी मिनी माइनर्स पे, और मिनी माइनर्स पे जो है ना मैं एंटर हुई हूँ और मुझे ये जैकेट इतनी प्यारी लगी है, लेकिन जब मैंने टैग पकड़कर इसकी प्राइस चेक की तो मैंने कहा बाजी आप जहाँ लटकी हुई हैं वहीं लटकी रहें, कोई और आपको ले जाएगा। इतनी ज़्यादा प्राइस इसकी, मतलब समझ नहीं आती। 2 महीने बच्चे ने पहना, फिर बच्चे ने बड़े हो जाना, जैकेट ने छोटी हो जाना है और सर्दियों ने ख़त्म हो जाना है, और ये 9000 समथिंग की ये जैकेट थी। कौन ले, लेने वाले ले लेंगे, बट मैंने तो नहीं ली इतनी महंगी, क्योंकि 2 महीने, जस्ट 2 महीने सर्दी होती है पाकिस्तान में भी, और सऊदी अरब में तो वैसे ही बहुत कम सर्दी होती है। तो बस यहाँ से फिर मैंने इसकी कुछ जो है ना नॉर्मल प्राइस में जो मुझे समझ आई वो मैंने इसकी जो है ले ली थी। शर्ट्स वगैरह तो वो मैं आपको घर जाकर दिखा दूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी बेबी केयर पर, और यहाँ पर भी इनकी बहुत अच्छी वैरायटी है। प्राइस जो है इनकी थोड़ी सी कम है मिनी माइनर्स के नस्बत। तो फिर यहाँ से जो है ना यहाँ से मैंने इसके 2 ड्रेसेस ले लिए थे और मुझे काफ़ी अच्छे भी मिले और रिजनेबल भी थे। तो फिर जी यहाँ से मैंने इसके 2 ड्रेसेस ले लिए। इनके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, बट मुझे जो है ना वो कलर्स का भी फिर थोड़ा सा हो रहा था कि ये कलर ना लूँ वो कलर ना लूँ, लेकिन अच्छी वैरायटी है इनके पास। कुछ 1-2 आर्टिकल जो मुझे समझ आए थे उनमें इसका साइज़ ही नहीं मुझे मिला, कुछ जो साइज़ बड़ा था और दूसरा जो था वो बिल्कुल पूरा पूरा था। तो मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा बड़ा लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे ने नीचे से भी एक आधी हाई नेक वगैरह पहननी होती है, तो फिर अगर पूरा पूरा लेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है। तो फिर मुझे अम्मी ने ये समझा के भेजा था कि थोड़ा सा बड़ा लेना, क्योंकि सर्दियों में नीचे से इनर वगैरह पहना जाता है, जिसकी वजह से ऊपर जो शर्ट्स वगैरह है ना वो फिर तंग हो जाती हैं। तो फिर उस हिसाब से मुझे जो है ना वो साइज़ में थोड़ा सा इशू आ रहा था, बाकी इनकी वैरायटी बहुत ज़बरदस्त थी, चीज़ें बहुत अच्छी थी,
मैंने ऑलमोस्ट सारे इनका स्टफ़ जो है ना वो चेक किया था और मुझे काफ़ी अच्छी और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थी। कुछ चीज़ों की ज़्यादा थी लेकिन मोस्टली जो है ना वो काफ़ी कम थी। तो फिर यहाँ से भी मैंने इसके जो है ना वो एक ड्रेस ली आई थिंक, और एक जो है ना मैंने यहाँ से इसके लिए ये ले ली थी जर्सी। तो बस जी यहाँ से भी मतलब यहाँ पर भी मुझे अच्छी लग रही थी बट इनमें साइज़ नहीं थे। फिर मैंने कहा चले मैं नेक्स्ट जो है ना वो विज़िट करूँगी इनका। और उसके बाद जो है ना मुझे बच्चा पार्टी पे जाना था तो फिर मैं आ गई थी बच्चा पार्टी पे। और यहाँ पर जो है ना बे इंतहा वैरायटी है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में होती है। तो यहाँ से आप लोग शॉपिंग लाजमी किया करें, बच्चा पार्टी की शॉपिंग जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। और बस यहाँ पर जो है ना फिर बच्चा पार्टी से मैंने इसकी जो है ना वो काफ़ी सारी चीज़ें ले ली थी क्योंकि रीज़नेबल भी थी और मुझे पसंद भी मोस्टली जो है ना वो चीज़ें यहीं से आ गई थी। और बस इस तरह करते कराते सारे मैंने इनके सेक्शन घूमे। यहाँ से मैंने इसके लिए थोड़ी सी एसेसरीज़ भी ली थी, ज़्यादा नहीं ली, थोड़ी सी ली थी क्योंकि एसेसरीज़ भी काफ़ी इनके अब जो है ना वो कॉस्टली आने लग गई हैं जैसे जैसे जो है ना वतन के हालात ख़राब हो रहे हैं, वतन मुल्क मुल्क के हालात ख़राब हो रहे हैं ना, तो वैसे वैसे जो है ना सारी चीज़ें जो है ना वो काफ़ी महंगाई होती जा रही है। और यहाँ से जिसकी अच्छी खासी एलविश की मैंने शॉपिंग कर ली थी। और बस उसके बाद जो है ना काउंटर पे गए और बिल वगैरह बनवा लिया मैंने। और दिल ही नहीं भरता इतनी सारी चीज़ें जो है ना देख देख के दिल करता है ये भी ले लो वो भी ले लो, लेकिन इसके हेयर बैंड्स वगैरह जो है ना मुझे यहाँ से समझ नहीं आए। ओके थैंक यू। अच्छा जी उसके बाद यहाँ से हमें मिला था ये एक छोटा सा गिफ्ट और उसके बाद हम लोगों को कज़न ने खिलाया खाना। फिर जो है ना हम लोग खाना खा के तो उनकी तरफ चले गए थे, हमने रात वहीं पे स्टे करना था और फिर हमने जो है ना वो नेक्स्ट डे अपने घर आना है। तो अब हम चले गए थे कज़न के घर और वहाँ जाकर जो है ना रात में बिल्कुल व्लॉग में एंड ही नहीं कर सकी और ना मैंने कोई चीज़ बनाई। अच्छा जी ये नेक्स्ट डे का क्लिप था जब हम लोगों को वापस आना था। तो उसके बाद जो है ना हम लोग फिर मार्केट के लिए निकल पड़े थे कज़न के साथ। तो थोड़ा सा जो है ना एक तो चीज़ें भी लेनी थी, उन्होंने भी लेनी थी और फिर हमने थोड़ा सा घूमना भी था। बस फिर हम लोग जो है ना उस साइड पे उन्हीं की तरफ आ गए थे और फिर हम लोग जो है ना यहाँ से अब निकलेंगे हम लोग रात को। और उसके बाद जो है ना मैं आपको सारी जो शॉपिंग एलविश की वो जाकर घर दिखाऊंगी। इट मीन के नेक्स्ट व्लॉग में जब ये व्लॉग जो है ना वो मैं अपलोड करूँगी तो इसके दो दिन बाद जो है ना वो मैं इसकी वीडियो वाला जो है ना शॉपिंग वाला सॉरी व्लॉग जो है ना वो अपलोड करूँगी। तो होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।